नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास को लेकर गंभीर, विकासनगर में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, तो झबरेड़ा में किसान मेले का उद्घाटन। देहरादून के शहीद प्रदीप थापा पंचतत्व में विलीन, मुख्यमंत्री धामी ने दी श्रद्धांजलि, कहा सरकार शहीद परिवार के साथ तो लगे भारत माता के जय के नारे। अनिल चंद्र पुनेठा बने उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त, साथ ही दो नए राज्य सूचना आयुक्त भी नियुक्त, प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने दी अधिसूचना जारी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ऋषिकेश दौरा, रावत का बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी में चल रही है अंतर्कलह, जनता को भुगतना पड़ रहा नुकसान। जसपुर में आप पार्टी के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ, कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने की शिरकत, बड़ी संख्या में लोगों ने की आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण। चलिए अब खबरें विस्तार से। तो आज उत्तर प्रदेश के मेरठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात दी है। फिलहाल एक जनसभा को संबोधित वो कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाएंगे। उनकी हर संभव मदद की जा रही है, इन्हीं प्रयासों की वजह से आज जब भारत का खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर उतरता है तो फिर उसका प्रदर्शन दुनिया भी सराहती है, देखती है। पिछले साल हमने ओलंपिक में देखा, हमने पैरालंपिक में देखा, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ वो पिछले ओलंपिक में मेरे देश के वीर बेटे बेटियों ने करके दिखाया। मेडल की ऐसी जड़ी लगा दी कि पूरा देश कह उठा, एक स्वर से देश में बोल उठा, खेल के मैदान में भारत का उदय हो गया है। भाई और बहनों, आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अनेक छोटे छोटे गांवों, कस्बों से, सामान्य परिवारों से बेटे बेटियां भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे खेलों में भी हमारी बेटे बेटियां आगे आ रही हैं, जिनमें पहले संसाधन संपन्न परिवार के युवा ही हिस्सा ले पाते थे। इसी क्षेत्र के अनेक खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व किया है। सरकार गांव गांव में जो आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रही है उसका ही ये परिणाम है। पहले बेहतर स्टेडियम सिर्फ बड़े शहरों में ही उपलब्ध थे, आज गांव के पास ही खिलाड़ियों के ये सुविधा दी जा रही है। साथियों, हम जब भी एक नई कार्य संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो इसके लिए तीन चीजें जरूरी होती है, सानिध्य, सोच और संसाधन। खेलों से हमारा सानिध्य सदियों पुराना रहा है, लेकिन खेल की संस्कृति पैदा करने के लिए खेलों से हमारे पुराने संबंध से ही काम नहीं चलेगा। हमें इसके लिए एक नई सोच भी चाहिए। देश में खेलों के लिए जरूरी है कि हमारे युवाओं में
खेलों को लेकर विश्वास पैदा हो, खेल को अपना प्रोफेशन बनाने का हौसला बढ़े और यही मेरा संकल्प भी है और ये मेरा सपना भी है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह दूसरे प्रोफेशंस वैसे ही हमारे युवा स्पोर्ट्स को भी देखें। हमें ये भी समझना होगा कि जो कोई स्पोर्ट्स में जाएगा वो वर्ल्ड नंबर वन बनेगा ये जरूरी नहीं है। अरे देश में जब स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होता है तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से लेकर स्पोर्ट्स राइटिंग और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी तक स्पोर्ट्स से जुड़ी कितनी ही संभावनाएं खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे समाज में ये विश्वास पैदा होता है कि युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ जाना एक सही निर्णय है। इस तरह का इकोसिस्टम तैयार करने के लिए जरूरत होती है संसाधनों की। जब हम जरूरी संसाधन जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लेते हैं तो खेल की संस्कृति मजबूत होने लगती है। अगर खेलों के लिए जरूरी संसाधन होंगे तो देश में खेलों की संस्कृति भी आकार लेगी, विस्तार लेगी। इसलिए आज इस तरह की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इतनी ही जरूरी है। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेल की संस्कृति के पुष्पित पल्लवित होने के लिए एक नर्सरी की तरह काम करती है। इसलिए ही आजादी के 7 दशक बाद 2018 में पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारी सरकार ने मणिपुर में स्थापित की। बीते 7 सालों में देश भर में स्पोर्ट्स एजुकेशन और स्किल्स से जुड़े अनेकों संस्थानों का उनको आधुनिक बनाया गया है और अब आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में हायर एजुकेशन का एक और श्रेष्ठ संस्थान देश को मिला है। साथियों, खेल की दुनिया से जुड़ी एक और बात हमें याद रखनी है और मेरठ के लोग तो इसे अच्छी तरह जानते हैं। खेल से जुड़ी सर्विस और सामान का वैश्विक बाजार उत्तराखंड में विकास कार्यों की बौछार लगी हुई है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री धामी विकास योजनाओं की सौगात देने में लगे हैं। इसी कड़ी में विकासनगर में विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी गई। साथ ही इससे पहले विजय संकल्प यात्रा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गोरखा राइफल्स के हवलदार और देहरादून के अनारवाला निवासी प्रदीप थापा नागालैंड में शहीद हो गए, जिनका रविवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनारवाला गुचुपानी देहरादून पहुंचकर शहीद हवलदार प्रदीप थापा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने ईश्वर से अमर शहीद की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना भी की। इस दौरान उन्होंने परिवारजनों से भेंट कर अपनी शोक संवेदनाएं भी साझा की। उन्होंने कहा कि ईश्वर शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। शहीद हवलदार प्रदीप थापा ने बलिदान दिया और हम सभी उन्हें नमन करते हैं। उत्तराखंड सरकार शहीद के परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी व अन्य लोग भी उपस्थित रहे। तो वहीं प्रदेश सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल चंद्र पुनेठा को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है। पुनेठा के साथ ही 2 नए राज्य सूचना आयुक्त भी बनाए गए हैं। देहरादून के निवासी एडवोकेट विवेक शर्मा और नई दिल्ली के विपिन चंद्र राज्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी अब संभाली गई। प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त की कुर्सियां लंबे समय से खाली थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने
शासन को प्राप्त आवेदनों के आधार पर चयन किया। समिति में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत भी थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने ऋषिकेश में शनिवार को कांग्रेस की रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी में अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं, जिसके चलते राज्य को नुकसान हो रहा है और सरकार को जनता के सवालों से कोई परवाह नहीं है। इस समय बहुत अंदर झगड़ा चल रहा है, जिससे राज्य को बहुत नुकसान हो रहा है। सत्तारूढ़ दल इस समय पूरी तरीके से आपस में उलझा हुआ है और उनको जनता के सवालों की कोई परवाह नहीं है। जसपुर में आप पार्टी का चुनाव कार्यालय का शुभारंभ प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने किया। इस दौरान आप नेता डॉक्टर यूनुस चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और बड़ी संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने प्रदेश की जनता को नववर्ष 2022 की शुभकामनाएं दी और कहा कि उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनाव में जसपुर से विधायक भी आपका होगा और प्रदेश में सरकार भी आपकी होगी। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं से जीन जान से जुट जाने का आह्वान किया और उसी कड़ी में आज यहां पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ कार्यालय का भी उद्घाटन है। तो ये सब जो है वो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा ही है और लेकिन जिस तरीके से लोगों में उत्साह और उमंग अभी दिख रहा है, वो दिखाता है कि अब आम आदमी पार्टी लोगों की एक उम्मीद के रूप में इस प्रदेश की राजनीति में जन्म ले चुकी है। अभी तक विकल्प ना होने की वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट कर रहे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में इस जनता के बीच में है और जनता का प्यार और आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।